हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पवा सीट कोर्स में। तो आज हम हीरो होंडा सीडी 100 SS का मॉडिफाई सीट बनाने वाले हैं और ये स्पेशली वेस्ट बंगाल का ऑर्डर है। और सर ने अपना वीडियो यूट्यूब पे ही देखा था और सर को वो सीट बहुत ही अच्छा लगा। कैसे हम ये सीट मॉडिफाई बनाते हैं और कैसे हम ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट बंगाल को, ये पूरा वीडियो देखिए तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिया है हमने M92 का फोम, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, और चरण का पत्रा लिया है। तो हमने पहले तो इसकी कॉलर काट दी है, कॉलर हमने जो मेटल का सरफेस है उसको लगा दी है साइड के बॉर्डर में। तो पूरा पूर मॉडिफाई का ध्यान रखते हैं हम, कैसे ये मॉडिफाई करना चाहिए, कैसे क्या हो जाएगा अच्छी बेटर से बेटर क्वालिटी का। तो कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेगा, डायरेक्ट मेटल को फोम डायरेक्ट चिपका देगा और आगे का काम चालू कर देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको ही आता है वो कारीगर वो वैसा करता ही नहीं। तो ये बात तो ठीक है। तो कैसे ये मॉडिफाई करते हैं हम पूरे वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आप देख सकते हो कैसे हम कॉर्नर काट रहे हैं सभी। और एक बात स्पेशली बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल से बहुत ऑर्डर आते हैं, बहुत ही बहुत, मतलब कुछ बताओ नहीं, इतने ऑर्डर आते हैं। और मैंने उनका वेस्ट बंगाल का काम सक्सेसफुल ही किया है, सभी को अच्छी अच्छी से अच्छी क्वालिटी, बेटर से बेटर क्वालिटी दिए है मैंने सबको। और सभी कस्टमर ने यही कहा है कि बहुत ही अच्छा सीट है आपका, यमा का हो CD100 का हो बहुत ही अच्छा है, बुलेट का हो। आप हमारे यहाँ ऐसे सीट बनते नहीं वेस्ट बंगाल के। तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल के लोगों को, जो जो हमें ऑर्डर देते हैं, जो जो अब हमारे वीडियो देखते हैं, उस सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऐसे ही प्यार बना रहे अपना। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मॉडिफाई सीट है, तो हम कैसे इसको शेप दे रहे हैं ये आप देख ही सकते हो। बीच में हमने थोड़ा सा टेपर लगा दिया है और पीछे भी टेपर लगा दिया है। तो ये क्यों बनाया है, क्योंकि शेप देने के लिए बनाया है हमने। बॉर्डर बीडर सब काट रहे हैं हम, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब काट रहे हो। और ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आप भी बोर ना होए। ये शेप देने के लिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम काम करते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड, मतलब ज़्यादा फॉरवर्ड किया तो आपको समझ में आएगा नहीं हम शेप कैसे दे रहे हैं। और इसको हमने डिज़ाइन वाला कवर लगाया है, आप बाद में देखना ही स्पेशली। ये देखो कैसे शेप दे रहे हैं हम, ये फाइनल फिनिशिंग है। और इसको ब्रास की पट्टी भी आने वाले, सभी रिक्वायरमेंट सर के हिसाब से हमने किया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर ने मुझे कॉल भी नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे ये सीट चाहिए। और मैंने बोला कि ये सीट मिल जाएगा आपको, तो सर बोले कितना रुपए होगा, मैं जितना रुपए बोला उतना सर ने भेज दिया। तो ऐसा ट्रस्ट रहना चाहिए कस्टमर के और हमारे ऊपर, कि सर ने हमें कॉल भी नहीं किया, अभी तक कॉल नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग है हमारी। और वो भी बहुत बड़ी लंबी नहीं है, सिर्फ कितने का, इतने इतने का, तो पैसा भेज दिया और कब मिलेगा बस उतना है, और एड्रेस उनका। तो ये रहता है वेस्ट बंगाल को प्यार और हमारा भी प्यार है सभी ऊपर, ऐसे ही बना रहे। मैं यही बात कहता हूँ बार बार, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या मालूम क्या ऐसे काम नहीं होता है लगता है, इसलिए अपने को यामा के ऑर्डर तो बहुत आते हैं वेस्ट बंगाल से। और ये CD100 का है अभी ऑर्डर, अभी शेप देने का
फाइनल हो गया है अभी शेप, देखो आप कैसे दिया है हमने, आगे भी दिया है, बीच में दिया है, एंड तक दिया है। और इसको हमने डिज़ाइन स्पेशली डायमंड डिज़ाइन मारी है कस्टमर के हिसाब से। और ये 3 mm का अस्तर है, इसको इंसोल बोलते, कोई अस्तर बोलता है। तो अब हम मार्किंग कर रहे हैं कैसे इसका सिलाई आएगा, पाइपिंग आएगा कैसे आएगा, ये ध्यान में रहता है। कटिंग वैसे ही आती है, अभी कटिंग की बारी है। आप देख ही सकते हो कैसे हम मार्किंग करके कटिंग कर रहे हैं। कटिंग की बारी अभी। और ये बेटर से बेटर क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इंसोल का भी और रेगजिन का भी। रेगजिन हमने डॉटेड वाला लिया है और इस पे ये डिज़ाइन मार दी है। सर को हमने फोटो भेजा काम होने के बाद, सर बहुत ही खुश हुए। ये मार्किंग कर रहे हैं हम, मार्किंग करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका शेप आता है, कटिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। ये बताने का यही कारण है अपना काम स्पेशल क्यों है। तो कोई भी आदमी, महाराष्ट्र के आदमी बहुत सारे फ़ोन करते हैं, पर वो कला पे डिमांड नहीं रखते। मतलब हम जो काम करते हैं उसका कुछ नहीं, सिर्फ पैसे में हमारे काम को गिनते हैं। अरे तुम बहुत पैसे लेते हो, अरे बहुत पैसे लेते हो, मतलब कुछ तो है ना ये काम में, ऐसा ही कुछ भी कर दिया और दे दिया आपको, ऐसा नहीं है। अरे हमारे इधर ही इतने रुपए में मिलता है, तो वो क्या यूज़ करते हैं हमको पता नहीं। मिलता होगा बहुत कम रुपए में मिलता होगा, पर हमको ये पता नहीं। तो कितने का मिलता है आप, हम सब अपने दुकान में सब ब्रांडेड ही माल रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये सादा वाला फोम लगाया, सादा वाला पत्र लगाया, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो ये सिलाई हो गई है अभी पाइपिंग वाली, पर जो भी ऑर्डर है ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से ज़्यादा अपने को बाहर राज्य से है, क्योंकि उनके इधर ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। तो स्पेशली अपने इधर का मतलब एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर आपके इधर का तो काम अलग ही है, हमारे इधर ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, तो इसीलिए हम आपको ऑर्डर देते हैं। ये मतलब वीडियो देखने के बाद तो उधर के लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा काम रहता है, क्या रहता है, मॉडिफाई सीट कैसा रहता है, ओरिजिनल सीट कैसा रहता है। तो अभी हम क्लिप फिटिंग कर रहे हैं ये सीट को, कैसे नॉब्स रहते हैं नॉब्स, वो नॉब्स में ये कवर अटकाना पड़ता है और उसको उसके बाद उसको हथौड़ी से उसको नॉब्स को लॉक करना पड़ता है। आपको कैसा लग रहा है अभी इसका शेप और इसका कवर, ज़रूर बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, तो हमको भी पता चलेगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हमसे कुछ गलती होती है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पिछले वाले वीडियो में तो क्या मैंने सिर्फ गलती से इम्पल्स बोल दिया एक्सपल्स गाड़ी को, तो कमेंट की बारिश हो गई। तो गलती करना भी आदमी का एक कला रहता है कि गलती सुधारना है उसकी। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी गाड़ी का नाम पूरी जानकारी लेके ही रहूँगा और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये अभी हम नॉब्स लॉक कर रहे हैं, सब नॉब्स लॉक होने के बाद हम इसको ब्रास वाली पट्टी लगाने वाले है 8 mm की, और उसको बेल्ट भी लगाने वाले है शाइनिंग वाला।
आप देख सकते हो कैसा काम है अपना। ये हो गया रेडी सीट, कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हीरो होंडा सिटी 100 का सीट है ये मॉडिफाई वाला। तो अभी हम इसको ब्रास पट्टी लगाने वाले हैं। ये देखो पॉलिश मार के लैकर भी मारा है हमने। तो देखते ही ये काम ये कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा अपना ट्रांसपोर्ट वाला काम, ये वेस्ट बंगाल को जाने वाला है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट किया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।